हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स कर रहे थे, सर बैकलॉग का एग्ज़ाम कब होगा। जिस तरह से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक SBT बिहार का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्रों को, जिन छात्रों को बैकलॉग है, उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम आखिर कब होगा। हालांकि उनका सवाल जायज़ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा एग्ज़ाम जितना जल्दी हो जाए मैं उस पेपर को क्लियर कर लूँगा, तो जो मेरे माथे पर बैकलॉग का कलंक है, जो मेरे माथे पर बैकलॉग का जो निशान लगा हुआ है, उसको मैं मिटा दूँ। सो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कई सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से और बहुत सारा कॉलेज से जो है हमको कॉल आ रहा था, और बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो के ऊपर कमेंट भी किए हैं कि सर आखिर कब होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ जो है बातों को रखना चाहता हूँ जो बातें आधारपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से अभी जो रिजल्ट आया था, सो थर्ड सेमेस्टर का था, लेटर एंट्री का था और फिफ्थ सेमेस्टर का था, साथ में जो है कुछ बैकलॉग का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। सो, अभी जो है फ़िलहाल बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखें वे फोर्थ सेमेस्टर में चले गए, जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखें वे जो है सिक्स्थ में चले गए, और जो लेटर एंट्री का एग्ज़ाम लिखे थे वे जो है अभी फिफ्थ सेमेस्टर में चले गए। सो, यहाँ पर बात आती है कि जिन बच्चों का आखिर जो बैकलॉग है, एग्ज़ाम कब होगा। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि अभी जो है फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ, तो अभी तक फर्स्ट ईयर का अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर का किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उसी तरह से अगर हम बात करें जो लेटर एंट्री के छात्र जो एडमिशन लिए हैं, उनका भी अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। यानी कि इससे आपको साफ पता चलता है कि ना तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, ना तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, ना तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। यानी कि एग्ज़ाम अगर होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, या आप जो है जो ग्रुप टू ग्रुप वन कह सकते हैं, और लेटर एंट्री जो कि थर्ड सेमेस्टर का, तो एग्ज़ाम होता है जब रेगुलर का, तो सवाल बनता है क्या रेगुलर के साथ बैकलॉग का भी हो सकता है। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि क्या हम रेगुलर के साथ बैकलॉग वाले भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बार एडमिशन लिए हैं, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और थर्ड सेमेस्टर में होंगे, जो कि लेटर एंट्री से लिए होंगे, तो अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उनका एग्ज़ाम जो है लगभग दो महीना के अंदर में हो जाएगा, क्योंकि SBT बिहार जो है सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस कर रहा है, और अभी तक जो है वो ऑफिशियल लेटर तो नहीं आया है, लेकिन आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना दिन तो सेशन डिले हुआ, तो और डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का रेट जो है घट गया है, डेथ रेशियो घट गया है, और बिहार में शिक्षा मंत्री भी जो है ट्वीट कर चुके हैं कि अगर संभव हो सके तो 6 जुलाई के बाद कॉलेज और महाविद्यालय को खोला जाएगा। तो इस उम्मीद को देखते हुए SBT बिहार फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले डेटा की बात करें, जिस तरह से जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था, उसके बाद जो है फर्स्ट वेव जब शांत हुआ तो कुछ जो है डेथ रेशियो घटने लगे थे, और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स के मन में ये जो है ठान लिए थे कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन SBT ने जो है नोटिस निकाला और फरवरी और मार्च 2021 में एग्ज़ाम हो गया, जिसके वजह से छात्र लोग सीरियस नहीं थे और कई एक स्टूडेंट्स को बैकलॉग लग चुका था। सेम स्थिति जो है इस साल भी पैदा हो चुका है। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से सेकेंड वेव में विकराल रूप लिया था, उसके वजह से शायद इस साल का एग्ज़ाम भी कैंसिल होकर बच्चे लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ये चांस जो है आपको बहुत कम बनता है। SBT बिहार ज़्यादातर कोशिश करेगी कि हम बच्चों का ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लें। सो, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने का केस आता है, तो यहाँ पर यह भी केस आता है कि क्या जो बच्चे फेल किए हैं उनको भी वो एग्ज़ाम में सम्मिलित करेंगे। अगर आप इस केस को देखिएगा तो ये केस जो है सबसे पहली बार ऐसा केस बन रहा है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब थर्ड सेमेस्टर के बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वे जो है रेगुलर के साथ हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई बच्चा थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेता है और कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाता है, तो दोनों बच्चे अर्थात लेटर एंट्री के स्टूडेंट्स और जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में गया है, दोनों जो है साथ हो जाते हैं, दोनों जो है एक ही साथ जो है चलते हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ अलग केस बन चुका है।
अभी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वे अलग सेमेस्टर में हैं, लेटर एंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वे अलग सेमेस्टर में हैं। तो इस बार जो है इस तरह का जब स्पेशल केस बनता है तो हो सकता है कि जो बच्चे बैकलॉग हैं उनको लेटर एंट्री के साथ एग्जाम लिया जा सकता है। मैं 100% आपको विश्वास नहीं दिला सकता हूं, क्योंकि बिना SBT के ऑफिशियल लेटर के हम किसी भी चीज़ को 100% दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं, उसमें किसी भी चीज़ का अनुमान लगाया जाता है कि आखिर पास होने की परसेंटेज कितना है, फेल होने की परसेंटेज कितना है। तो ये जो है एक अनुमान है, उसी तरह से हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि बैकलॉग का स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग हुए होंगे, जो फिफ्थ सेमेस्टर में बैकलॉग हुए होंगे, उनका एग्ज़ाम जो अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं और लेटर एंट्री में स्टूडेंट्स हैं और जो आपका करेंट पेपर का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। ये जो है मैं अपनी तरफ से अनुमान लगा रहा हूँ, और ये अनुमान जो है ज़्यादातर जो है सही होने का चांस बनता है। क्योंकि आप खुद से सोच के देखिए, अगर क्योंकि आपका तो सेशन इसी तरह से डिले चल रहा है, आप सोच के देखिए अभी आपको कहाँ होना चाहिए था, आप कहाँ हैं। तो एक तरह से आपका सेशन डिले चल रहा है, तो SBT जो है अगर आपको कवर करना चाहता है, अगर आपको फिर से जो है समय को बचाना चाहता है, तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम ले लेगा। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस असमंजस में ना पढ़ें कि शायद मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। आप अभी से सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दें। मान लीजिए अगर आपको जो है एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है, दो सब्जेक्ट में बैकलॉग है, आप जो है स्क्रूटनी के लिए भी देते हैं, रीटोटलिंग के लिए भी देते हैं, फिर भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना जारी रखें। क्योंकि आपका रीटोटलिंग का जो रिजल्ट आएगा उसमें काफ़ी लेट हो सकता है। अगर आप रीटोटलिंग के रिजल्ट का इंतज़ार करते रहेंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए फिर से जो है बैकलॉग की संभावना हो सकती है। इसलिए फिर से मैं हाथ जोड़कर छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग है, उस सब्जेक्ट में तैयारी जारी रखिए। पहले की अपेक्षा इस बार आपकी तैयारी दुगनी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारी छात्रों, क्योंकि जिस रफ्तार से आपने पिछला सेमेस्टर में तैयारी किया उस रफ्तार से आप फेल हो चुके हैं। तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि पिछला जो रफ्तार था उससे मेरा दुगना रफ्तार होना चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप पिछला बार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, सपोज जो है एग्जामिनेशन का तैयारी की बात कर रहा हूँ, अगर आप जो है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे थे तो इस बार आपको 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि अगर हो सकता है पिछले सेमेस्टर में आप 1 घंटा तैयारी करते थे तो इस सेमेस्टर में जो आपका बैकलॉग है 2 घंटा आप हर एक पेपर पर दीजिए। जो भी आप जो है जिस रेशियो में आप देते थे उसको आप डबल ट्रिपल जो है करके देखिए, तब आप उसमें पास हो जाइएगा। ध्यान रहे छात्रों, आप जो है स्मार्ट वर्क कीजिए, कभी भी हार्ड वर्क ना कीजिए। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही फ़र्क है कि अगर हार्ड वर्क करने से सब कोई महान होता तो जंगल का राजा गधा होता, ना कि शेर होता। क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है जो कि स्मार्ट वर्क करता है, लेकिन गधा जो है उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, फिर भी जो है वो जंगल का राजा नहीं है। अगर आपको बादशाह बनना है, अगर आपको राजा बनना है, किंग बनना है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले गधे हो जाते हैं, वो जंगल का राजा नहीं बन सकते हैं, बादशाह नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपको एक क्लू के रूप में मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ, आप जो है स्मार्ट वर्क कीजिए। आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, कौन सा पेपर जो है पिछले सेमेस्टर में पूछा था, कौन सा पेपर पिछले साल में पूछा था, क्वेश्चन कौन सा रिपीट हो रहा है, किस तरह हम तैयारी करेंगे कि हम पास हो जाएंगे, MCQ में हमको कितना टाइम देना है, 4 मार्क्स में कितना टाइम देना है, 6 मार्क्स में कितना टाइम देना है, एग्जामिनेशन में किस तरह से हम किस पैटर्न में हम लिखेंगे कि पास हो जाएंगे। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप पास हुए होंगे उस सब्जेक्ट का आपको अनुभव होगा कि हमने किस तरह से लिखा था कि मैं पास हो गया था। एग्जामिनेशन में आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, आप किस तरह से पेपर को व्यक्त करते हैं, आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कलर पेन को यूज करते हैं, आप पेंसिल को यूज करते हैं, आप डायग्राम को अच्छी ढंग से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, आपका राइटिंग क्लियर है कि नहीं है, आप किस तरह से जगह को मैनेज करते हैं, क्या आपका राइटिंग दूसरा कोई अच्छी रीति से नहीं पढ़ पा रहा है, क्या आपका प्रेजेंटेशन गंदा है, इन सारी चीज़ भी आपको ज़्यादातर मायने रखता है कॉपी करेक्शन में। जिन बच्चों का बैकलॉग है, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो है स्मार्ट वर्क कीजिए तो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आना है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिएगा एग्जामिनर खुश होगा और आपको अच्छा मार्क्स देगा। अगर आपका कॉपी देखने से ही गंदा लगता है तो एग्जामिनेशन जो है इरिटेट हो जाएगा, आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने जो है अच्छा अच्छा पॉइंट लिखा होगा लेकिन आपका कॉपी जो है इरिटेटिंग कॉपी था जिसके वजह से आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके होंगे। तो
तो आप जानते हैं जिस सब्जेक्ट में पास हुए थे उसका कॉपी कैसा था, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए उसका कॉपी कैसा था, जिस सब्जेक्ट में आपने पास हुआ था उसका प्रिपरेशन आवर कितना था, जिस सब्जेक्ट में आपने फेल किए हैं उसका प्रिपरेशन आवर कितना था, आप खुद से अच्छी रीति से जानते हैं। तो आप अभी से एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि रेगुलर के साथ आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो अगर इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर वन क्लासेस का फैन बनना चाहते हैं, आप नंबर वन क्लासेस के फैमिली से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, 119 रुपीज़ अर्थात 119 रुपया पर मंथ है, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। आप हमें मदद भी कर सकते हैं ताकि हमारा हाथ मजबूत हो और हम आपको और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। ये आपकी मन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।